ऐसे बेवकूफ होते हैं, हॉर्न मार रहे हैं यहाँ पे वन्य क्षेत्र में, आप हॉर्न नहीं मार सकते। वाह कितनी बढ़िया लोकेशन आई है यार, वाह वाह इतने सारे। ओ भाई साहब बंदर बहुत ही ज्यादा हैं। बंदर यार बहुत ही ज्यादा बंदर हैं, बहुत ही ज्यादा। राइट साइड कर लेफ्ट साइड। ओ मोर यहाँ पे डांस भी कर रहा है, बंदरों को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? ओहो यहाँ पे देखो भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं एक्शन कैम बंद करूँ लेकिन यहाँ पे बंद करने की इच्छा ही नहीं कर रही बिल्कुल भी। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना नो फ्लाई जोन है, इसलिए आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो ध्यान रखना ड्रोन वगैरह लेके आने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे ड्रोन केवल जो विभाग के आदमी हैं वो ही उड़ा सकते हैं, और बाकी स्पेशल परमिशंस चाहिए होती है। यहाँ चेक पोस्ट है, ये वाला रास्ता है शायद जो टहला से आता है। ओ यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी। अभी रोड पे मोर वगैरह इसीलिए खड़े रहते हैं क्योंकि आने जाने वाले लोग इनको कुछ सामान डालते हैं, और इस साइड ट्रैफिक का आवागमन रहता है इसलिए टाइगर्स वगैरह का मूवमेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए ये लोग क्या रोड के पास सेफ महसूस करते हैं तो ये रोड के पास ज़्यादा रहते हैं इधर। दरअसल 3 बजे के बाद यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं मिलती, जो और अंदर है उन लोगों को 5 बजे से पहले पहले बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इसमें पानी की भी काफ़ी कमी है सरिस्का के अंदर, सो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल क्या किया जाता है कि जो जगह जगह कृत्रिम पौंड बनाए हुए हैं और उसमें ट्यूबवेल्स लगा के पानी फिल किया जाता है, जिसके थ्रू फिर यहाँ गर्मियों के अंदर जो जानवर हैं वो पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत हद से ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इस रिज़र्व पार्क में। वो 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 ये देखिए यहाँ पानी आ गया है, शानदार लग रहा है। वाह काफी अच्छा व्यू है। ये देखिए यहाँ से पहले पूरा पानी बहा करता था, सोचो कितना शानदार लगता होगा। हाँ बारिश के दिनों में अभी भी पानी बहने लग स्टार्ट हो जाता है, अब मतलब बारिश के दिनों में इस साइड जो लेफ्ट साइड ये चल रही है ना यहाँ पे पानी होता है पूरा। तो ये आ गया है यहाँ पे पांडुपोल, हनुमान जी का मंदिर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा लिया गया है, एक कड़ी, सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए सारे। और यहाँ पे भाई साहब बंदर भी बहुत ही ज़्यादा है। अभी टाइम हो गया है 10:45 और हम लोगों ने थोड़ा मतलब बिल्कुल भूखे निकले थे घर से, थोड़ा सा अभी क्या लिया अपन ने, ब्रेड पकौड़ा लिया है और थोड़ी सी लस्सी ली है। और अभी हम जो है ट्रैक करके मतलब उस साइड ट्रैक करके वहाँ पे जो ओरिजिनल जिसके कारण इस जगह का नाम पड़ा हुआ है पांडु पोल, मतलब वो वाली पोल देखने के लिए जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा ख़राब है तो यहाँ पर आप लोग बाइक या कार नहीं ले जा सकते, वो आपको यहाँ मंदिर पीछे जो मंदिर है वहीं पर पार्क करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पैदल ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। बस अभी तो धूप भयंकर हो रखी है इसलिए थोड़ी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ से लगभग ये शायद 500 मीटर के आसपास है। चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे भी पानी है या नहीं है,
तो आप रास्ता एंजॉय कीजिए। तो अभी ये ब्लॉग करके दिखाएगी। बोलो भाई साहब, यहाँ पूरे एरिया में देखो आप, यहाँ खजूर ही खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। और इन खजूरों को मेरे को अभी पता लगा कि ये सुरेंद्र जी इनको और कुछ बोलते हैं। सुरेंद्र जी क्या बोलते हैं इनको? लड़कियाँ। लड़कियाँ बोलते हैं ये खजूर को? नहीं, लड़कियाँ। लड़कियाँ, ये एक नया ही टर्म हमें सुनने को मिला है यहाँ पे, लड़कियाँ। रास्ता भाई साहब अभी यहाँ पूरा जंगल के अंदर है, मतलब कहीं कोई बोर्ड साइन बोर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ कि किस साइड आखिर वो पांडुपोल जिसे कहते हैं वो है। अभी हाल फिलहाल तो हम एक ट्रैक के अंदर ऊपर ऐसे ही जा रहे हैं, रैंडम ट्रैक के ऊपर, देखते हैं अगर उधर है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग कभी गए थे तो इसी ट्रैक से गए थे ऐसे जाके, बस ऐसे इसको चक्कर आ रहे हैं। आ रहे क्यों? ये यार इससे गए थे मेरे को लग रहा है, क्योंकि इधर से पानी आ रहा नहीं, उसी में से आता है। रास्ता देखो कितना शानदार है, और ऐसे हम पीछे घुमाए तो पीछे भी देखो। शानदार अल्टीमेट, क्या हम बीच में से जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे पांडुपोल का जो मतलब जो झरना है वो यहाँ पे आके गिरता था, ये देखो, यहाँ पे आके गिरता था वो झरना, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो सब सूखा पड़ा है, ऊपर से भी कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो छेद बना हुआ है ना, तो भीम और जो पांडव जब अज्ञातवास में मतलब घूम रहे थे वनों के अंदर, तब भीम ने ये अपनी गदा से प्रहार करके, गदा से इतनी ज़ोर से प्रहार किया था कि यहाँ पे देखो छेद हो गया था, और इसमें से पूरे में से पानी बह के यहाँ पे निकलता है। तो इसी पोल, इसी छेद के कारण इस जगह का नाम पांडु पोल पड़ा हुआ है। ये जो बूढ़ा हनुमान मंदिर है, यहाँ पे जब ये भीम ने ये पीछे गदा मार के इस पहाड़ में ये जो छेद किया था, उसके बाद क्या भीम को थोड़ा घमंड हो गया था, तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी यहाँ मतलब बूढ़े हो गए थे, तब यहाँ पे रास्ते के अंदर वो अपनी पूंछ बिछा के मतलब लेट गए थे, और फिर जब यहाँ से भीम आए तो उन्होंने उनको बोला कि रास्ते में जो पूंछ है अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम खुद इसे उठा लो। तो भीम ने अपने पूरे जितने भी 100 हाथियों का बल था सारा लगा दिया, फिर भी जो हनुमान जी की पूंछ है वो नहीं उठा पाए। तो यही वो जगह है, मतलब पीछे जो मंदिर है अभी हमने आपको दिखाया था वहाँ पे, वहीं पे वो सब हुआ था। डिटेल से आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो भाई साहब टाइम हो गया है बिल्कुल 12 बज गए हैं फिक्स, और हम लोग अब निकल रहे हैं पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करके। काफ़ी बढ़िया था, लेकिन भाई साहब अब गर्मी में हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, जल्दी जल्दी प्यास लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। पुरानी काल से ही काफ़ी महत्व है पांडुपोल का। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और
काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये मोटो ब्लॉग आया है और अच्छा खासा ब्लॉग आया है, तो इसको शेयर जरूर कर देना। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को नई राइड करने का। और हम वीडियो डाल देते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं आता, उसके बाद फिर ऐसा लगता है यार क्या इतनी मेहनत करना, फिर यही लगता है कि चलो भाई यहाँ घूम ही आओ बस, वीडियो तो क्या बनाए के डालेंगे, घूम ही आते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई भाई बंधु है जिसको ये सब चीज़ें पसंद है तो उनके साथ भी ये शेयर कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे हम सबको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ओ भाई साहब यहाँ तो हलचल ही मचा गए पूरे रास्ते में।